साला मेरे आदमी पर उस तरह मारता तुम लोग। मंगेश कहाँ है? नहीं मालूम मेरे को। मंगेश कहाँ है? बोलो ना, तेरे को नहीं जानता मैं। ए साहब, हाथ नहीं लगाने का, अपन भी कानून जानता है। दमागे कंडा पट्ट पाते हुए मैं गुंडे पर डरा। क्या बोला सर? कुछ नहीं, डर गया मैं, डर गया साला। और एक भाई कानून जानता है। मैं क्या बोलता हूँ साहब, आप भी कानून के हिसाब से ही चलो ना। वैसे ही चलो एकदम। उठ बैठ, चले उठ। खालिद, ये सर्विस रिवॉल्वर तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन इसका सर्विस बहुत कमाल का है सर। एक गोली मारो दो मर जाते, और तीसरा खौफ खा के मर जाते। बस क्लास। तो फिर खालिद तुमने क्या देखा? सर मैंने देखा मिलॉर्ड कि आप उससे सवाल पूछ रहे थे तो ये आपसे बदतमीजी कर रहा था। फिर आपने कहा कि पावले भाई तमीज से बात करो, मैं भी इंसान हूँ। फिर तो इसने कहा तू इंसान थोड़ी है, तू तो पुलिस वाला है। फिर आपने फाइनल वार्निंग दी तो एक घोड़ा निकाल के आगे बढ़ा। फिर आपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई और पावले अपनी गलती से मारा गया, जैसे और लोग मारे गए। सब कानूनी तौर पे हुआ ना? बिल्कुल सर, कोई शक ही नहीं है। तो फिर इसके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का बंदोबस्त करो। यस सर। क्या माई तुन्नी, ये तो क्या हमेशा मुंह खोलने से पहले पेशाब करता है? ये पुलिस स्टेशन है, तेरे ससुर का घर नहीं? इधर उधर मुंह तेरा पहुंचेगा कौन रे? पता मंगेश, लक्षद्वीप बार में मिलेगा साहब। खालिद जी, नाइट पेट्रोलिंग पे कौन है? विक्रम साहब। सर, विक्रम साहब मंगेश उस्तरा को पकड़ के लाए। आ गया अप्पा, जा अपना हाथ साफ कर। मंगेश भाई, भाई साला साला चिल्लाता उसका मारता, साला पुलिस वाले पे उसका मारता। भाई है तू, भाई है तू, बंबई में एक ही भाई है पुलिस वाला, समझा ना? बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, समझा ना? मेरे आदमी बाबा से मारता। ये है सार्वजनिक धुलाई, खाकी धोबी का। अप्पा के आदमी को मारता, अप्पा के आदमी को मारता। मार बाबू, मार के देख बाबू, सोचा मार के देख साला। बहुत पहले मैंने सीखा था कि किसी भी जगह ड्यूटी ज्वाइन करो तो एक दिन पहले ज्वाइन करो, असलियत बाहर आ जाती है। क्या नाम बताया तुमने अपना? अपना नाम बता। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या नाम है तेरा? खालिद। क्या खालिद? पान भार तो क्या, चलो। हो गया, अंदर ही थूक दिया। देखिए, आज यहां का चार्ज लेने के साथ मैं आप लोगों को यह समझा दूं कि इस वर्दी के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी मौजूद है। एंड आई हेट पीपल हु आर इररिस्पॉन्सिबल। ये लोग भले ही क्रिमिनल्स हैं पर इंसान हैं, इनके भी कुछ हक हैं। कुछ जोक याद आया तुम्हें? बताओ बताओ, कम ऑन टेल मी, शेयर विद मी, आई वांट टू लाफ। जोक ही तो है सर, जिन्हें आप इंसान कहते हैं वो पठान के शूटर्स हैं। उनके लिए तो किसी की जान लेना खाना खाने के बराबर है। ऐसे हरामियों के तो हाथ पांव काट कर ट्रैफिक सिग्नल पर बिठा देना चाहिए। शट अप, जस्ट शट अप। और तुम इन लोगों को समझाने की बजाय तुम आराम से बैठ के वहां चने खा रहे थे। छोटे मोटे गुंडों को मारने का मतलब क्या है? अगर पहलवानी दिखाने का इतना ही शौक है तो इनके बाप दादा को पकड़ के दिखाओ। देखिए, आप इन भाई लोगों को नहीं जानते, इनकी पहुंच कानून से बहुत ऊंची है। इंस्पेक्टर सिंह, शायद हम लोगों ने कानून की अलग अलग किताबें पढ़ी, क्योंकि मेरी समझ में यही आता है कि कानून की पहुंच सबसे ऊंची होती है। यू मे ऑल गो नाउ। सर, सुनो, वो क्या नाम है उसका, दादा लोगों की फाइल मेरे पास लेके आइए। क्या बोलते हैं तुम्हारे मुंबई भाषा में? भाई लोग।
जाइए, उनका जट्ठा मेरे पास लेके आइए। जाइए। यस सर। अंडे बेचे और मेरे कुड़ी बात देख पकड़ ले। ये बहुत तकलीफ होने वाला है साहब। बोलते हैं पान थुक के आओ, पान थुक के आओ। अरे 15 रुपए का पान है, वो भी फुकट में, तो थुकने की चीज है। कच्ची मिट्टी का घड़ा है, देखते हैं कितनी बरसातें झेल पाता है। फिर पान खा रहा है, चला चाय पीते हैं। सर ये एरिया यूसुफ भाई का है, यूसुफ पठान। एक जमाने में मिनरवा टॉकीज के बाद शोले पिक्चर का टिकट ब्लैक करता था, बाद में बहुत माल बनाया, भाईगिरी में आया और आज पठानवाड़ी का सबसे बड़ा भाई है। ये एरिया है रघु भाई का, रघु शेट्टी, शेट्टी कंपनी। क्वार्टर सिस्टम के बहुत सारे बार है यहाँ पे, 2 बार टाड़ा में अंदर जा चुका है, 4 फुल मर्डर केस और 3 हाफ मर्डर केस लगे हुए हैं। और ये एरिया समीर भाई का है, समीर कश्मीरी। पहले क्रॉफर्ड मार्केट में घड़ियों का छोटा मोटा स्मगलिंग करता था, बाद में पाउडर में माल बनाया, ड्रग्स में, और 93 बॉम्ब ब्लास्ट में अंदर जा चुका है, अभी तक केस चालू है। एक्सीलेंट। ये जो बाकी का एरिया बचा हुआ है, ये किस भाई का है? सर ये भाई का नहीं, ये बहन का एरिया है, बहन का, मीरा बहन जोशी। बहुत डेंजर औरत है सर, 2-4 बार तो पुलिस वाले को भी लाफा मार चुकी है। शट अप। अगर ये सब भाई बहन का एरिया तो हमारा एरिया कौन सा है? हमारा एरिया ये है सर, ये एरिया हमारा है, जहां हम और आप इस वक्त खड़े हैं, बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, कोई टेंशन नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, बिल्कुल सेफ और साउंड। तो आपने ये नौकरी सेफ एंड साउंड रहने के लिए की हुई है? इस तरह आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे क्राइम ब्रांच में? तो आज 4 भाई हैं, कल 8 भाई भी हो सकते हैं। 8 नहीं सर 80, और फिर 800। इसी रफ्तार से हमारे हाथ बांध दिए गए और हम कुछ नहीं कर सके तो? इस सवाल का जवाब जानना है तो पूछिए अपने सुपीरियर से, पूछिए अपने कलीग से, झांक कर देखिए इस पुलिस डिपार्टमेंट में और समझने की कोशिश कीजिए इस सिस्टम को। इस सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको सर। मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म हो रहा है, चलता हूं। जय हिंद। क्या घड़ी के हिसाब से ड्यूटी करता है ये? और जितने भी करता है सिर्फ चने खा के ड्यूटी करता है? ऐसे ही पैदा होता क्या ये? एक जमाने में ये हमारे क्राइम ब्रांच के हीरो थे सर। यस सर, 24 घंटे ड्यूटी करते थे। सेक्शन में किसी भी गली से इनकी फटफटी गुजरती थी, अच्छे अच्छे लोगों की फट जाती थी। आई एम सॉरी सर, मेरा मतलब है डर जाते थे, जी जान से ड्यूटी करते थे। लेकिन मिला क्या, बीवी भी छोड़ के चली गई। सिस्टम को बदलने चले थे, सिस्टम ने इनको ही बदल दिया। हमारा सिस्टम ही ऐसा है। और ऊपर से वालिया, पठान और मानिकराव, इन तीनों ने मिलकर तो कानून की। चलता हूं सर। हाँ ओम, देखो वो अप्पा फिर एक एनकाउंटर पर जा रहा है। I'll just do it, sir. Right now. गिन लीजिए सर, 4 के 4 है, एक भी कम नहीं। हे खालिद, इंसानी है समझाना, इंसानी से पेश आना, पूछ लेना रात को क्वार्टर के साथ क्या क्या चाहिए, इंडियन, चाइनीज या फिर वो। सर ये कट्टर की कीड़े है साले, 5-5 हजार रुपए के लिए आदमी को टपका डालते हैं। इनका खोपड़ी उड़ा देना कोई जुर्म नहीं, समाज सेवा है समाज सेवा। नायक ये जो सर्विस रिवॉल्वर है जो तुमने अपने पतलून में डाल रखी है, खेल खेलने के लिए नहीं है कि जहां मर्जी आए गोलियां चलाते रहो तुम। सर ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, इन लोगों वालिया जैसे लोगों का पूरा सपोर्ट है, इन्हीं की मदद से वो अपना 2 नंबर का नेटवर्क चलाता। कल वो वकील भेजेगा, इनको छुड़ा कर ले जाएगा, ये बाहर जाएंगे और 4 सिविलियंस का मर्डर कर देंगे। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा सर? अगर एनकाउंटर करने का इतना शौक है तो छोड़ दो ये नौकरी और ज्वाइन करो उन भाई लोगों को।
जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए ना तुम्हें? जाओ चलाओ वहां जाके गोली, मूव। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं सर, कहने के लिए क्या रह गया बाकी। गुड सर। अरे यार ये पुलिस ऑफिसर की हेल्थ मिनिस्टर है। नहीं मेरा मतलब है कि आपको बोलता है कि चने मत खाओ, मुझे बोलता है पान मत खाओ, इसको बोलता है फोन ऑफ फ्रेंड मत करो, पापा को बोलता है भाई गिरी पे लग जाओ। यार लगता है दूसरा नौकरी ढूंढना पड़ेगा। सच्ची है यार। हाँ खालिद मियां, अगर यही आलम रहा तो कुछ दिनों के बाद सारे पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही ऑफिसर रह जाएगा। हरिओम। तत्सत। पटनायक बोल बे पटनायक। हाँ। चला क्वार्टर मारते। कानून बचाने के लिए कानून तोड़ना कैसा भद्दा मजाक लगता है। इंसान के हाथ में अगर ताकत आ जाए तो सड़क जानवर बन जाता है। तुमने सिस्टम से लड़ने का ठेका ले रखा है। और भी तो लोग पुलिस की नौकरी करते हैं। हाँ किरण, बाकी लोग सिर्फ नौकरी ही करते हैं। मुझे खबर मिली है कि पठान के चार शूटर्स माइम के डिम्बा मार्ट में छुपे हुए। लेट्स गो। चलो एडवांस गुंडे वाड़ का नाम। कुछ बोला तुमने? इन्होंने ये कहा कि पकड़ने की क्या जरूरत है, सीधा एनकाउंटर ही कर डालते हैं, बराबर? मैंने हिंदी में बात की है और ये भाषा तुम्हारी समझ में आती है। कम ऑन। अब चलिए खालिद मियां साहब की ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं, रेड करेंगे रेड। पकड़ो इसे, पकड़ो, कम ऑन एवरीबॉडी मूव मूव मूव, पकड़ो इसको, लगी ले इसको, सब लोग पकड़ो इसको। चलो देखो साहब, सबको पकड़ ले जाओ, पकड़ो पकड़ो। चलो तुम लोग उधर जाओ, इस तरह हां ले गया, लगी जाओ मार रे देखो, लगी ले इसको। साहब ये, अरे मैं हूँ मैं। साहब ये सब गरीब मजदूर लोग हैं, इनमें से कोई नहीं है। सलाम पटनायक साहब, मैं यूसुफ पठान। नई पोस्टिंग मुबारक हो मालिक, बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने सुना है आपके बारे में, बहुत बहुत सुना है। साहब ये गरीब लोगों को परेशान करने से कोई फायदा नहीं है, ये सब लोग काम धंधे वाले लोग हैं और यहाँ कुछ इलीगल नहीं है। पता नहीं पेपर वाले जबकि इन लोगों ने हमारे नाम के आगे भाई का नाम कहाँ से जोड़ दिया। मैं तो आप लोगों की इज्जत करता हूँ। अब पूछो, विक्रम साहब को पूछो, अप्पा को पूछो, अपने डिपार्टमेंट को पूछो, और मैं तो हर अच्छे काम के लिए चंदा देता हूँ, गणपति भी देता हूँ। हर जुमेरात को रोज जाके गरीब लोगों को भाई अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ और हर तरह का चंदा। मतलब वो बोलते ना जिसको क्या नाम है, सोशल सर्विस। और यही वजह है कि बड़े बड़े लोग हमारी इज्जत करते हैं साहब, हमारे टॉप के कनेक्शन है। कभी कभी आप भी तकलीफ में आ जाओ तो हमको बताओ, भाई हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। एक बात बोलूं क्या रे पठान, तेरी ताकत के पीछे हम लोगों की कमजोरी का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। ये डंडा देखा तूने बे? सरकार ने हमको ये डंडा ना डांडिया खेलने के लिए नहीं दिया है। जिस दिन मैं अपने ताव में आऊंगा ना, नीचे से डालूंगा ऊपर से निकालूंगा, दोनों की दोनों आंखें बाहर आ जाएंगी। और जो तू इतना इतराता है ना कि इन पॉलिटिशियन को जानता हूं, ये बिजनेसमैन को जानता हूं, उन्हें तो मैं नंगा करके मारूंगा इतना और घसीटूंगा अलग। बोलती अंदर के अंदर रह जाएगी। और हां, एक दिन पठानवाड़ी से तेरा जलूस जरूर निकालूंगा मैं, याद रखना। कम ऑन लेट्स गो। बहुत ज्यादा बोल गया भाई। भाई सोडा बाटली कीमत तब तक जब तक कि वो बंद, जैसे ही बुच्च खुला जाग बढ़ जाता है और रह जाता है क्या, पानी। पानी केलकर को पैसा भिजवा, उसने टिप दिए। मेरा दिमाग डाउन हो गया, मेरे लिए बड़े का नल्ला मगा। हाँ भाई खबर करो पठान भाई, जो होना था। सही बात है पठान भाई, होने को कौन टाल सकता है।
क्यों रे पठान, तू तो कहता था कि येड़ा से तेरा कोई लेना देना नहीं, तो यहां क्या करने आया? कफन का कपड़ा दफन की जमीन साथ में लाया कि नहीं तू? बहुत ज्यादा बोल रहा है पठान भाई, लगता है इन खाकी वर्दी वालों का कुछ करना पड़ेगा। चुप चुप, मुर्दा घर है, आवाज नहीं करने का, समझा? मालूम पड़ा एक को लेने आया, चार को साला छोड़ के जा रहा। चुप। अक्सर आदमी जोश में होश खो बैठता है, ये बात एड़ा भूल गया, तुम लोग याद रखना, मेरे भाई की मौत का मातम पठानवाड़ी से पुलिस कॉलोनी तक जरूर पहुंचेगा, ये वादा करता हूं। पठान, अपने भाई की मैयत का इंतजाम तो तूने कर लिया, अब तेरी मैयत का इंतजाम कौन करेगा? खुदा हाफिज। चलो भाई चलो, निकलो, पाड़ा लाता हूं।